दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। कम कपाती इस सर्दी में राजधानी शिमला में बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को ऑकलैंड स्थित रैन बसेरा में ठहरने की उचित व्यवस्था है या नहीं, रैन बसेरा में पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसी का निरीक्षण करने सोमवार को महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान रैन बसेरा पहुंचे। यहां उनके साथ उप महापौर और पार्षद भी मौजूद रहे। हमारा एक डिपार्टमेंट है NULM जो इस कार्य को देखता है। जो सर्दी में हमारे इन्होंने लगभग 17 लोगों को रेस्क्यू किया था, जो प्रवासी मजदूर बाहर सड़कों पे रहते हैं जिनको ठंड के कारण जो है आजकल सर्दी बहुत है। उसी सिलसिले में मेयर, माननीय महापौर और मेरे साथ पार्षद भी आए थे, जिन्होंने हमने जो हमारे रैन बसेरा है वहाँ पर कितने लोग अभी रह रहे हैं और किस स्थिति में रह रहे हैं, क्या ठंड है, क्या कंबल की ज़रूरत है, क्या, उसी संदर्भ में मैं आज यहाँ विजिट करने के लिए भी आया था और जगह जगह हमारे जहाँ टॉयलेट्स हैं उनको भी देखा था। और यहाँ पर मैंने पाया कि लगभग 3 या 4 महिलाएं निचले फ्लोर में रहती हैं, अभी तो नहीं है, वो अपने बाहर गए हैं कहीं, और 3-4 लोग अभी यहाँ रह रहे हैं जिनका जो है हमने कंबल और दूसरी चीज़ें उनको वितरित करवाई, जो क्योंकि ठंड के कारण जो है बहुत आजकल काफ़ी ठंड है उनको। उसी सिलसिले में मैंने ये टेम्परेरी शेल्टर है, ये परमानेंट नहीं है। जैसे कोई किसी को बहुत इमरजेंसी में यहाँ रहना पड़ता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट नगर निगम इसको इस सुविधा को देता है और ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। टाइम टू टाइम ये यहाँ से लोग जाते रहते, जैसे 17 लोग आए थे, अब मैक्सिमम लोग यहाँ से निकल गए हैं और रेस्क्यू करके हम लाए थे ठंड का कारण। तो इसी सिलसिले में मैं आज यहाँ आया था और हमने और भी, मैं आम शिमला के नागरिकों से, शिमला के पब्लिक से भी ये उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं अगर कोई ऐसा प्रवासी मजदूर जो सड़क पे या रात को कहीं बाहर है, जो अपने लिए सिर पे छत नहीं है जिसके, तो हम उनको यहाँ फ्री में सुविधा देते हैं। और हमारा नंबर बाहर जो है रैन बसेरा में डिस्प्ले किया हुआ है, उसको वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे लोग वहाँ जाते हैं, उनको यहाँ पर हमारा जो रैन बसेरा है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आज यहाँ आया था। एक ऐसी चीज़ है, स्वच्छता में हर आदमी का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं कि नगर निगम एक अपने जो उनकी क्षेत्र है उसमें रात दिन एक किया हुआ है। उन्होंने वो रात को 12-12 एक बजे तक हमारा जो रात का जो शिमला का एरिया उसको रात को भी सफाई करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम शहरी, आम जो हमारा नागरिक है, एक उसमें भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने ड्यूटी को समझे और अपने आप को, ये एक कलेक्टिव वर्क है, समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ये सबका कार्य है। एक स्वच्छता एक काम ही ऐसा है कि आप सभी लोगों का इसमें सहयोग चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे हर शिमला वासियों का सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और इस सिलसिले में मैंने हमारे जो टॉयलेट्स है वहाँ उनमें भी देखने गया हूँ, अप टू मार्क वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, अच्छे से उसमें कमियाँ भी हैं, वो हम उसमें जहाँ उनको कमी है, जो उनकी समस्या है, मैंने उनको भी सुना है, चाहे वो टॉयलेट को देख रेख करता है, महिलाओं का टॉयलेट है या जेंट्स के टॉयलेट्स है, उसमें सभी लोगों से मैंने उनसे भी बात की, अगर उनको किसी तरह की कोई समस्या है तो उनसे वो बात कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं शिमला के आसपास के क्षेत्र में निकला हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।